हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बैलेंस शीट किस तरह मालूम किया जाए, बैलेंस शीट का प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व किया जाता है। बैलेंस शीट वो होती है जो कि आपको एक फाइनेंशियल कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। बैलेंस शीट इसमें हमें क्वेश्चन में मालूम करने के लिए आंसर में एक बॉक्स होता है, जिसमें टू साइड होते हैं, बॉक्स के लेफ्ट साइड लाइबिलिटीज और राइट साइड एसेट्स होते हैं। अब जैसे कि आपको क्वेश्चन दे दिया, मतलब ये आपको डाटा है लास्ट ईयर का कंपनी का, जो भी डाटा है, जो भी क्रेडिट्स कितना है, क्लोजिंग स्टॉक, मोटर वैन, जो भी खर्चा हुआ है, वो सब यहाँ पे आपको डाटा दे जाएगा। इससे हमें मालूम करना है बैलेंस शीट। सो देखिए, क्रेडिटर्स है 1 लाख। क्रेडिटर्स मतलब क्या होता है, आप जब कंपनी से कुछ गुड्स खरीदते हैं तो गुड्स का आप डायरेक्ट पेमेंट नहीं करते हैं, वहाँ पेमेंट तो आप सिर्फ गुड्स लेके आते हैं, फिर आपके बाद में प्रोडक्ट्स जब सेल होता है आपके फ्यूचर में पे करते हैं जहाँ से आपने प्रोडक्ट्स खरीदे, तो वो क्रेडिट्स होता है, मतलब पैसे जाएंगे। लाइबिलिटीज का मीन्स होता है आपके पैसे खर्च हुए, मतलब आपके पैसे जाते हैं, और एसेट्स का मतलब होता है आपके पास पैसे आते हैं। तो क्रेडिटर्स में आपके फ्यूचर में आपके पैसे जाएंगे, तो आप क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज में आता है। क्रेडिटर्स ये 1 लाख। फिर नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक होता है जो कि आपके ईयरली एंड ऑफ द ईयर आपके पास जो बच जाता है स्टॉक, वो होता है जिसको आपको नेक्स्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक बना सकते हैं, या फिर आपको वही ईयर में एंडिंग में आप क्लियर कर दे सकते हैं, जिसके लिए आपको वो स्टॉक के आपको पैसे आएंगे, आपके सेल के बाद आपको स्टॉक के पैसे आएंगे, इसलिए आपको क्लोजिंग स्टॉक मतलब आपको इसमें पैसे आ रहे हैं, तो आप एसेट्स में लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक है 50,000। नेक्स्ट है मोटर वैन। मोटर वैन मतलब मोटर वैन एक फिक्स्ड एसेट है। मोटर वैन जैसे मोटर वैन, फर्नीचर, मशीनरी जो है, ये एसेट्स होते हैं फिक्स्ड एसेट, जिसके आपने मोटर वैन आपने एक बार खरीद लिया है आपके पास, ये जिसका आप लिक्विड जब आप सेल करेंगे आपको कैश भी रिटर्न आएगा। जैसे ये मोटर कार हो, फर्नीचर हो, या बिल्डिंग हो, लैंड हो, ये सब एसेट्स में आते हैं, तो हम इसे मोटर वैन को एसेट में लिख लेते हैं। मोटर वैन 50,000। नेक्स्ट है गुडविल। गुडविल मतलब ये इनविजिबल होता है, जैसा कि आपने अपनी कंपनी का गुड रेपुटेशन बनाया हुआ रखा है, या फिर आपने कोई ब्रांड बना लिया, जैसे कि आपका अगर कोई सेल आपका प्रोडक्ट का 10 रुपीज़ कॉस्ट है, आप उसको 15 रुपीज़ करके बेच रहे हैं, यानी फिर भी डिमांड उतनी है, आपको पब्लिक खरीद रही है, मतलब ये आपका जो भी 5 रुपीज़ जो भी आपको एक्स्ट्रा आ रहा है वो आपकी गुडविल है, मतलब आपके रेपुटेशन से, आपकी इंपॉर्टेंस जो भी पब्लिक में है, रेपुटेशन है या नेम है, ब्रांड बना लिया है आपकी अच्छी क्वालिटी है, उसके लिए वो गुडविल होता है, जिसका भी आपको प्रॉफिट आता है वो है 1 लाख। तो वो एसेट मतलब आपको गुडविल से पैसे आ रहे हैं, तो वो हमें एसेट्स में लिखेंगे। गुडविल है 1 लाख। फिर नेक्स्ट है डेप्टर्स। डेप्टर्स मतलब आपने जो भी प्रोडक्ट्स वहाँ से खरीदा है अपने होलसेल में, फिर अपने कस्टमर्स को भेजा है, कस्टमर्स में डेबिट्स पे खरीदा है, मतलब आपको पैसे अपने करंट पे, अपने जब भी हैंड कैश इन हैंड नहीं दिया आपको, सिर्फ उन्होंने प्रोडक्ट खरीदा है, आपको फ्यूचर में पे करेंगे, तो फ्यूचर में आपके पास पैसे आएंगे डेप्टर्स से, मतलब आपको पैसे आ रहे हैं, इसलिए हम एसेट्स में लिखेंगे डेप्टर्स। 2 लाख। फिर है कैपिटल। कैपिटल मतलब ये कंपनी के स्टार्टिंग में, यानी ईयर के स्टार्टिंग में जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं कंपनी में, बिजनेस में जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसे कैपिटल कहते हैं, मतलब आपका पैसा जा रहा है इन्वेस्टमेंट में, तो कैपिटल आ गया। लायबिलिटीज में कैपिटल 5 लाख। फिर है मशीनरी। मशीनरी एक फिक्स्ड एसेट है, एसेट जैसा कि ये मशीनरी की आपको आपने एक ही बार खरीदा है रख दिया, इसका मशीनरी का कॉस्ट कम नहीं होगा, आपने जो कॉस्ट में खरीदा है वो कॉस्ट की होगी मशीनरी, इसलिए 5 लाख आपके एसेट में आते हैं। मशीनरी, फर्नीचर, जो भी आपके एसेट्स में गिरते हैं, जो भी लुकिंग में होते हैं, मतलब बिल्डिंग, लैंड, जो आपके परमानेंट होते हैं आपके पास ही होते हैं, आपने एक बार खरीद लिया, आप कितने भी बार यूज़ करो, कितने भी साल यूज़ करो, आपके फर्दर है, इसे फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं, हमेशा के लिए रहते हैं फिक्स्ड एसेट, जब तक कि आप इसे बेचते नहीं, तो ये आपको एसेट्स में गिरेंगे। मशीनरी 5 लाख। और ये लोन। लोन मतलब आपने आपकी बिजनेस के स्टार्टअप के लिए, जो भी कंपनी के लिए आपने बैंक से लोन लिया, या कहीं से भी आपने फाइनेंस लोन लिया है, वो आपको फ्यूचर में पे करना है, आपने अभी तो स्टार्टिंग में ले लिया, आपको फ्यूचर में वो कंपलसरी पे करना है, मतलब आपके पैसे फ्यूचर में जाएंगे, तो हम इसे लायबिलिटीज में लिखेंगे। लोन 3 लाख। अब हम इन एडिशन ऐड कर लेते हैं पूरे, 1 + 5 = 6, 6 + 3 = 9 लाख। 50, 51 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 9 लाख। आप देख सकते हैं हमारे लाइबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स, मतलब दोनों टैली कर रहे हैं, इसका मतलब हमने बैलेंस शीट करेक्ट बनाई है, मतलब हमारी दो तरह से हमारी कंपनी का कोई लॉस नहीं हुआ है। जैसे कि ये बैलेंस शीट कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है, हमने कर लिया है, इसमें और भी बहुत होते हैं, हमने एक नॉर्मल सा क्वेश्चन किया, अगर आप कहीं भी किसी में भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, हम रिप्लाई करेंगे। और जैसे कि आप देख सकते हैं कैपिटल्स में बहुत से एडजस्टमेंट्स होते हैं, जैसे 5 एडजस्टमेंट होते हैं, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, अगर नेट प्रॉफिट भी आपको क्वेश्चन में दिया गया है तो आपको कैपिटल में ऐड कर इस 5 लाख में ऐड करके आपको यहाँ लिखना है, अगर आपको नेट लॉस दिया गया है तो आपको डिडक्ट करके यहाँ लिखना है। तो जैसे फाइन एडजस्टमेंट होते हैं, अगर आपको उसमें भी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स